नमस्कार, आज के क्राइम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आए दिन पानीपत में चोरी और ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ये वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी तो घरों में घुसकर चोर चोरी करते हैं, तो कभी कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी की जाती है, जिसकी भनक उन्हें तब लगती है जब वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आजकल चोरों ने एक नया तरीका ढूंढा है, जिससे चोरी भी हो जाए और पीड़ित को भनक भी ना लगे। जानकारी के अनुसार एएसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि देखने में आया है, वर्तमान में साइबर ठग नकली ट्रेवल वेबसाइट बनाकर विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को अच्छे ऑफर की पेशकश कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण लोग परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए अधिक उत्सुक हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठा रहा है। लोग ट्रिप पर जाने के लिए घर ही बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेवल एजेंसियों की वेबसाइट्स के माध्यम से हॉलिडे पैकेज खरीदते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर साइबर ठग फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। उनसे हॉलिडे पैकेज के नाम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे ले लिए जाते हैं और पीड़ित फर्जी हॉलिडे पैकेज खरीद भी लेता है, जिससे वो साइबर अपराधियों का शिकार बन जाता है। साइबर अपराधी ट्रैवल एजेंसियों के कर्मियों का प्रतिरूपण करके फोन के माध्यम से उनसे जुड़े भी रहते हैं। उन्हें हॉलिडे पैकेज पर एक बड़ी छूट भी ऑफर करते हैं। पीड़ित छूट से आकर्षित होकर साइबर अपराधियों द्वारा ऑफर किया हुआ फर्जी हॉलिडे पैकेज खरीदता है, जिससे वो अपनी मेहनत के पैसे भी खो देता है। पीड़ित इन वेबसाइट्स के माध्यम से भुगतान करते हैं तो उन्हें भुगतान के बदले कोई पैकेज नहीं दिया जाता। तब उन्हें पता लगता है कि वो एक ठगी का शिकार बन चुके हैं। जब पीड़ित को उसके साथ ठगी का पता चलता है, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर थाना पुलिस की एक टीम गश्त के दौरान सोधापुर चौक जाटल रोड पानीपत के पास मौजूद थी। टीम को एक युवक सोधापुर की तरफ से प्लास्टिक कट्टा लेकर आते हुए दिखाई दिया। युवक सामने खड़ी पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगा। वही शक के आधार पर युवक को काबू कर पूछताछ की तो आरोपित युवक से बरामद प्लास्टिक कट्टा की तलाशी लेने पर 19 अवैध शराब की बोतलें बरामद हुई। बरामद अवैध देशी शराब को कब्जे में लेकर आरोपित विनोद के खिलाफ थाना पुलिस औद्योगिक में एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई गई है। वारदातों की बात करें तो वहीं तीसरा मामला भी सामने आया है, जहां पर एंटी नारकोटिक सेल पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध किस्म का युवक बबैल से पानीपत की तरफ प्लास्टिक के कट्टे में नशीला पदार्थ डालकर पैदल आ रहा है। सूचना को पुख्ता मानकर पुलिस टीम ने तुरंत राजाखेड़ी अड्डे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध युवकों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी। वहीं कुछ देर बाद पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी भी लगी। एक संदिग्ध किस्म का युवक हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए गांव बबैल की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया। युवक के पास आने पर सामने खड़ी पुलिस को देखकर वो वापस भागने लगा। जब पुलिस ने युवक को कुछ कदमों पर ही काबू कर लिया तो उससे पूछताछ की गई। आरोपित युवक ने अपनी पहचान अंकित पुत्र सुरेश निवासी बल्ला जिला करनाल के रूप में बताई। वहीं जब पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो 2 किलो से ज्यादा गांजा पाया गया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गहनता से पूछताछ की और आरोपित अंकित ने बताया कि राजाखेड़ी के पास इस चाय का खोखा चलाने वाली एक महिला से वो ये पदार्थ को लेकर आया था। रिश्ते में वो उसकी मौसी लगती है। आरोपित की निशानदेही पर महिला को भी काबू कर लिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। Yes, fight is the right choice for you. Yeah, eat.
कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।